मुकेश और नीता अंबानी के बेटे अनंत और राधिका की शादी के पहले एंटीलिया में शिव शक्ति पूजा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी शामिल थे। शिव शक्ति पूजा से दूल्हा दुल्हन को खुशहाली और शांति मिलती है। यो यो हनी सिंह के ब्रेकअप के बाद उनकी नई गर्लफ्रेंड हीरा सोहल के साथ डेटिंग कर रहे हैं। इसके बाद हनी सिंह को अपने अनफॉलो और तस्वीरों को डिलीट करने की जरूरत पड़ी। ये जोड़ी एक साल से साथ है और हाल ही में रोमांटिक ट्रिप पर गई थी। बिग बॉस ओटीटी टीम में विशाल और अरमान के बीच तकरार हुई है। नॉमिनेशन टास्क में जब विशाल और अरमान को लवकेश ने डबल फेस कहकर बुलाया तो हुआ जोरदार विवाद। बाद में अरमान ने विशाल को चुगलिया करने की कही और भी गंदी बातें। देखिए शो में तनाव कब कम होगा। बिजनेसमैन अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन में विक्की कौशल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विक्की कौशल डांस टीचर की तरह अपनी परफॉर्मेंस से चार चांद लगा रहे हैं। हॉलीवुड के सितारे जेनिफर लोपेज और बेन अफ्लेक के बीच तलाक के समझौते में विवाद है। लोपेज दावा कर रही हैं कि उन्होंने बेन अफ्लेक की संपत्ति का आधा हिस्सा चाहा है। ये मामला हॉलीवुड में बहस का विषय बन गया है। अक्षय कुमार की फिल्म सरफिरा जीआर गोपीनाथ के जीवन की किताब पर आधारित है। इस फिल्म ने गोपीनाथ को एयरलाइंस उड़ान देने में क्रांति लाई है। इस फिल्म में वीर जनार्दन म्हात्रे अक्षय कुमार अपने सपनों को पंख देते हैं और जातिवाद, महिला समानता अधिकारों के मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं।